ललितपुर लाइव टीवी इस समय मौजूद है त्रिभुवन मंदिर प्रांगण में, जहां पर बुंदेलखंड प्रांत की अगुवाई के लिए हमारे बीच में बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष सिने अभिनेता राजा बुंदेला जी, जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में जब आए थे तब भी बुंदेलखंड प्रांत की मांग उठाई थी और अब यह आंदोलन को पग पग गांव गांव तक ले जाकर इस आंदोलन को गति देने के लिए इस त्रिभुवन सरकार के चरणों में इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राजा बुंदेला जी, जान से हैं आज इनसे इस आंदोलन और योजना के बारे में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम लोगों को बात करने के लिए मौका दिया। ये हमारी यात्रा गांव गांव जाएगी। हमने शहरों में बहुत लोगों को जगा लिया, समझा लिया, अब हमें लगता है कि हमें गांव देहात में जाकर उस सारे लोगों को लेकर साथ चलना है। और ये आज हनुमान जी के त्रिभुवन मंदिर से ये बहुत सिद्ध है। हम इसी उम्मीद के साथ विजयदशमी के दिन ये यात्रा शुरू कर रहे हैं। जब यात्रा ख़त्म होगी तो हम विजयी होके निकलेंगे और बुंदेलखंड राज की पताका बना के हम जनता के बीच में जाएंगे। राज इसलिए आवश्यक है कि हमें हर सुविधाओं से वंचित किया गया है। 7 नदियों का पानी वो भी हमें नहीं मिल रहा है। 4 जगह हम बिजली बनाते, हम अंधेरे में बैठे हैं। अभी तक कोई एम्स ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज इधर नहीं है। पूरे बुंदेलखंड में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। तो जिन सुविधाओं की हम बात करते हैं उनसे हम वंचित हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 400 विधायकों में हम 19 विधायक हैं, कैसे कुछ कर देंगे? ये अब समय आ गया है कि हमें हिस्सेदारी मुझे मिलनी चाहिए और हमारी ये लड़ाई पूरा यूपी के बुंदेलखंड के जिलों में जाएगी और इसके बाद मध्य प्रदेश के बुंदेलखंडों में जाएगी। हमारे साथ जुड़े हैं जो है यात्रा निकाली जा रही है त्रिभुवन सरकार से, यहाँ से का शुभारम्भ हो रहा है, उसके यात्रा संयोजक डॉक्टर आश्रय सिंह जी, जानते हैं आज इस यात्रा के उद्देश्य के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज त्रिभुवन मंदिर सरकार से दोपहर 2 बजे से आदरणीय राजा बुंदेला जी के नेतृत्व में और बहुत सारे ललितपुर के अलावा जो हमारे उत्तर प्रदेश वाले बुंदेलखंड के जो ज़िले हैं उनके सारे संगठनों के, मध्य प्रदेश के जो ज़िले हैं उनके संगठन, जितने भी संगठन पृथक बुंदेलखंड राज्य की बात करते हैं, वो सारे संगठन मिलके एक पद यात्रा जिसका नाम है गांव गांव पांव पांव यात्रा, जो कि 12 तारीख से आज त्रिभुवन मंदिर सरकार ललितपुर से प्रारंभ हो रही है, जो कि पूरे 15 दिन के सफ़र के बाद 24 तारीख को झांसी में समापन होगा, जिसका इसके प्रमुख पड़ाव आपका दलवारा एक रात है, फिर जखौरा है, फिर बांसी है, फिर आपका झूमरनाथ है, तालबेहट है, आपका पबीना है, पबीना के बाद सकरार है, मऊरानीपुर है, गरौठा है, गरौठा के बाद आपकी टहरौली, चिरगांव और चिरगांव राजगढ़ के बाद झांसी में समापन है। इस टाइप की बृहद पदयात्रा जिसका प्रमुख लक्ष्य है कि बुंदेलखंडवासी जनता के बीच में जाके उनको जागरूक करना, उनको अपने हक अधिकार बुंदेलखंड राज्य के लिए जागरूक करना, उनको जोड़ना, उनको खड़े करना कि सरकार तक अपनी मांग अब हमें पहुंचाना है, कि हमें हर बुंदेलखंडवासी अब बुंदेलखंड राज्य मांगता है, उसका समग्र और संपूर्ण विकास तभी होगा जब उसका पृथक बुंदेलखंड राज्य होगा। हम लोग इस यात्रा के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीका जो पदयात्रा है उस पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि सारी जनता जागरूक हो और अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकारों तक अपनी बात पहुँचाए और हम अपना लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है, हमारा अधिकार है, हमारी पुरानी सनातन पुरानी मांग है पृथक बुंदेलखंड राज्य, उसको हम प्राप्त करेंगे। आदरणीय राजा बुंदेला जी के नेतृत्व में हम गांव गांव जाएंगे। आज उसका प्रारंभ हो रहा है। आप सबके चैनल के माध्यम से भी मैं निवेदन करता हूँ पूरे बुंदेलखंड वासियों से कि वो इस यात्रा में जुड़ें और जिस रूप में आप उसमें सहयोग देना चाहते हैं सहयोग दें। पूर्णतः राजनीतिक है, पूर्णतः मातृभूमि के लिए समर्पित यात्रा रहेगी। आपका आपके चैनल बहुत पहले तो आप सभी को आज विजयदशमी दशहरा की राम राम पहुँचे। मैं डॉल राजी बुंदेला, श्री राष्ट्र राजपूत कर्णी सेना राष्ट्रीय सचिव। आज यहाँ से शुभारंभ हो चुका है गांव गांव पांव पांव यात्रा का।
और महाराज जी ने, लखनदास जी महाराज जी ने पूजा पाठ करके शुभारम्भ किया है। हम सभी लोग यहाँ से निकल रहे हैं रैली के साथ, काफिला चलेगा हमारा और 20 से 25 संगठनों ने यहाँ पर समर्थन दिया है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी भी यहाँ पर आए हैं, इंदौर से, लखनऊ से, नोएडा से, मतलब हर जगह से यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में बड़े बड़े पदाधिकारी पधारे हैं। राजा बुंदेला जी के नेतृत्व में ये आयोजन हो रहा है और हम सभी मातृशक्तियाँ इसमें अपना पूर्ण समर्थन दे रही हैं। अभी तो ये आज 12 तारीख से शुरू होकर 24 तारीख को लखनऊ झांसी में इलाइट चौराहे पर इसका समापन है। ये मेरा विनम्र निवेदन है माताओं बहनों से, भाइयों से, जहाँ जहाँ से हमारे भाई लोग गुजरे, आप लोग सभी लोग उनके साथ आगे बढ़ें और कदम से कदम मिलाकर चलें, स्पेशली हमारी महिलाओं के से विनम्र निवेदन। हमेशा हमने लड़ा है, हमने किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन आजादी के समर्थक होंगे, कार्यकर्ता होंगे, संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।